नमस्कार साथियों, प्रश्नावली 16.4 का अध्ययन कर रहे थे अपन। प्रश्नावली 16.4 है वो घोड़े से संबंधित है। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 6 तक सॉल्व करवा दिए हैं। आज की क्लास में अपन प्रश्न क्रमांक 7 को सॉल्व करेंगे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr². गोले का आयतन होता है 4/3πr³। देखो प्रश्न क्रमांक 7, 9 सेमी त्रिज्या के धातु को गोले की जो त्रिज्या है R1 वो है 9 सेमी। शंकु की त्रिज्या है, शंकु की त्रिज्या R2 है 3 सेमी तथा ऊंचाई है 6 सेमी। सबसे पहले प्रश्न में से जो वैल्यू दे रखी है अपन को, जो जो मान दे रखे हैं त्रिज्या के, ऊंचाई के, वो लिखते हैं। इस प्रश्न में आपको शंकु की संख्या पूछी है। प्रश्नानुसार एक 9 सेमी त्रिज्या का धातु का एक गोला है, 9 सेमी त्रिज्या का, उसको पिघला कर शंकु बनाया गया। तो इस प्रकार के शंकु कितने बने जिसकी R2 त्रिज्या है 3 सेमी और H ऊंचाई है 6 सेमी। ये H है, ये R है। एक 9 सेमी त्रिज्या के धातु को गोले को पिघला कर 3 सेमी त्रिज्या तथा 6 सेमी ऊंचाई का शंकु बनाया जाता है, तो बताओ इस प्रकार कितने शंकु बनेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा आयतन संबंधित सूत्र लगता है और आयतन का, बड़े आयतन में छोटे आयतन का भाग देते हैं। शंकु की संख्या, कभी भी संख्या का प्रश्न पूछे तो आयतन बट्टा आयतन, गोले का आयतन बटा शंकु का आयतन, गोले का आयतन बटा एक शंकु का आयतन। तो विशेष ध्यान रखना, शंकु की संख्या पूछे तो शंकु का आयतन बट्टे के रूप में रहेगा। गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3πr³ और शंकु का आयतन होता है 1/3πr²H। यह R1 है वो गोले की त्रिज्या है इसलिए R1, यह R2 है वो शंकु की त्रिज्या है इसलिए R2। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 × R1 का मान 3 बार लिखेंगे 9 को, 9 × 9 × 9 और बट्टे के अंदर आ जाएगा R2 3 × 3 × 6, 3 का भाग 9 में 3 बार, 3 से 3 कैंसिल, 3 का भाग 6 में 2 बार, 3 का भाग 9 में 3 बार, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 × 9 × 3, 9 × 2 = 18, 18 × 3 = 54 शंकु। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 54 शंकु। ये प्रश्न क्रमांक 7 था जिसमें आपको शंकु की संख्या ज्ञात करनी है। एक
धातु का गोला है उसको पिघलाकर शंकु बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार कितने शंकु बनेंगे उनकी संख्या अपन को ज्ञात करनी थी। प्रश्न क्रमांक 8, आठवां जो प्रश्न है दस सेमी त्रिज्या के धातु के गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बने जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 8 कह रहा है धातु का एक बड़ा गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर 10 सेमी, इससे 8 छोटे गोले बनाए जाते हैं, इसकी त्रिज्या अपन को ज्ञात नहीं है। एक बड़े गोले से 8 छोटे गोले बनाए जाते हैं और उस प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्रश्नानुसार बड़े गोले का आयतन जब कभी एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जाती है पिघलाते हैं तो हमेशा आयतन का सूत्र लगता है इंटू 8 इंटू छोटे गोले का एक छोटे गोले का आयतन या एक गोले का आयतन। प्रश्न को देखो, बड़े गोले का आयतन बराबर 8 इंटू एक गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब बराबर छोटे गोले का आयतन 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें अपन ने कैपिटल आर रखी है, इसमें अपन ने स्मॉल आर रखी है। देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब का मान 10 है अपने पास और इसकी त्रिज्या आर है 8 इंटू आर क्यूब। सोल्व करते हैं तो 10 का क्यूब 1000 होता है, आर क्यूब बराबर 1000/8 और 8 का भाग देते थे 125, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 की घात 3, 3 से 3 कैंसिल, त्रिज्या आ जाएगी 5 सेमी। अब प्रश्न में कह रहा है कि इस प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो 8 छोटे छोटे गोले बने हैं उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो गोले का प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका सूत्र होता है 4πr², जिसका सूत्र होता है 4πr², 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर अपने पास 5 इंटू 5, 22/7 को वापिस पाई लिख दिया तो 5×25, 25×100, 100 पाई सेमी स्क्वायर। यदि पाई की वैल्यू रखोगे तो आंसर आ जाएगा पॉइंटों में, तो इसका आंसर आएगा 100 पाई सेमी स्क्वायर। प्रश्न क्रमांक 9, प्रश्न क्रमांक 9 है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 सेमी स्क्वायर दिया हुआ है। देखो आपको एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 5544 सेमी स्क्वायर, यानी कि इसका सूत्र होगा 4πr² बराबर 5544। आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और आयतन ज्ञात करना है, तो इसका मतलब है बीच की चीज़ त्रिज्या छोड़ दी उसने, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल से अपन त्रिज्या ज्ञात करेंगे। 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 5544, आर स्क्वायर बराबर 5544 इंटू 7, 4 इंटू 22, 11 के पहाड़े से 22 में 2 बार, फिर इधर 504, फिर 2 का भाग आर स्क्वायर बराबर 504 इंटू 7, 4 इंटू 2, 2 का भाग 504 में
दो बार, पांच बार, दो बार, 252, 252 में चार का भाग देंगे तो चार का पहाड़े से छः बार 24 और 12 में तीन बार 63 × 7 जो हो जाएगी अपने 7×21, 7×6 42, 42×2 44। तो आर स्क्वायर बराबर 441 है, तो आर बराबर 100 441 जो होगी 21 की, 100 441 लिखो या 441 पर पावर 1/2। अब आपको गोले का आयतन ज्ञात करना है, तो गोले का आयतन का सूत्र होता है, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 वापस लिख देंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर अपने पास 21 × 21 × 21, 3 के पहाड़े से 21 को काटते हैं तो 7 बार 7 से 7 कैंसिल, 22 × 88 और 21 गुणा 441, 88 को 441 से गुणा करना है, 8×8 8×32, 8×32 = 35, 35×28 8 0 8 8 3, तो इसका आंसर आएगा 38,808 सेमी क्यूब, 38,808 सेमी क्यूब। प्रश्न क्रमांक 9 था ये। तो इस वीडियो में मैंने आपको प्रश्न क्रमांक 7, 8 व 9 तीन प्रश्नों को सॉल्व करवाया है। तीनों प्रश्नों को अच्छी तरह से समझें, अच्छी तरह से देखें, नोटबुक में उतारें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा मैं।